ये न्यूज़पेपर वाले चंदू भैया को भी ना हमारे 12वीं के रिजल्ट वाले दिन ही लेट आना था। अरे पुनमी, ये चूल्हा पे चाय रख के बाहर किसको देख रही है बेटा? अरे तुम्हारा रिजल्ट आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। ऐसे करने से का रिजल्ट बदल जाएगा? लेकिन ठाकुर साहब के चाय का स्वाद बिगड़ गया तो जानती हो ना अपने पापा का गुस्सा। इसीलिए बोलते हैं बेटा, एक समय में एक ही काम किया करो। जी। रुको रुको, चख के देख लेने दो। अरे हमारी बेटी के हाथ में तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, जो भी बना देती है उसमें स्वाद आ जाता है। लाओ हम छान देते हैं, जा तैयार हो जा। ए पुन्मी, ठाकुर साहब के यहाँ अखबार जरूर आया होगा, देख लेना वहीं अपना रिजल्ट। अब मुस्कुरा दो, अब इतना भी बत्तीसी मत दिखाओ। लड़कियों को ऐसे खुल के नहीं मुस्कुराना चाहिए बेटा, बेशर्मी लगती है। जी। जा स्वेटर पहन लेना, बाहर बहुत ठंड है। अरे ऊपर चढ़ा, झाड़ू भूल गए। ए माधव, झाड़ू दे दो हमें। अरे उधर क्या ताक रहे हो, झाड़ू उठा के दो हमें, नहीं तो फिर से उतरना पड़ेगा। कोई आपकी मदद नहीं करने वाला देवर जी, टंकी आज आपको अकेले ही साफ करना है। अरे तो वहीं से उठा के फेंक देना। वजन कम करने के लिए बड़े पापा ने आपको काम पर लगाया है, जरा ऊपर नीचे कीजिए दुरुस्त रहेंगे। ऊपर नीचे कीजिए दुरुस्त रहेंगे बड़े पापा के लिए? जी माया भाभी, हम कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हारी जैसे चाय नहीं बना पाते। का डालती हो भाई? जो सब डालते हैं। भाभी वो आज का न्यूज़पेपर है क्या? ए कुत्ते के पिल्ला, गधा सुअर की औलादों, तुम्हारी माँ का बहन को चूजा भूतनी का अखबार का आज का? भैया पेपर नहीं है अभी। तो बताएगा कौन तेरा बाप? लात घूसों से तहजीब सिखाएगा तुम्हें नीचे आके। माया उपरा। हम कोई भी पुराना अखबार देकर आते हैं, अखबार नहीं पढ़े ना तो प्रेसर ही नहीं आता। यहाँ भी न्यूज़पेपर नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज न्यूज़पेपर छपा ही ना हो? लेकिन कल तो कोई छुट्टी भी नहीं थी। सुकुमारी पूनम जी, तुम काहे अपनी लाइफ का मजाक खुद ही बना रही हो? आज फिर बौजी तुमने चाय की रोटी लगवा दिए। अरे हम तो कहते हैं दो तीन बार ना करेला मिलाकर अपने हाथ की कड़वी वाली चाय पिला दो उन्हें, ये रसोई का झंझट ही छूटेगा। क्यों, सही वाला प्लान है ना? हमें अच्छा लगता है ठाकुर साहब के लिए चाय बनाना। सुकुमारी पूनम जी जय हो। जब तुम्हें चाय ही बनाना था तो इतनी पढ़ाई काहे को किया? वैसे आज तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला था ना, क्या हुआ? पता नहीं, ना हमारे अखबार आया ना तुम्हारे। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो चलके चौक से लेकर आते हैं। चलो। अरे पहले माँ से तो पूछ लेते हैं। विमला चाची क्या बोलेगी, हम ही आपको बता देते हैं। हाँ हाँ पूनम बिटिया जाओ, पर गुड्डी बबुनी को साथ लेकर जाना। तो हम चल रहे है ना साथ, बेगूसराय के लड़कों से तुम्हारी रक्षा करने।